कलेक्टर आ गई, कलेक्टर आ गई, कलेक्टर आ गई। देखा पिताजी, उन्हें ढूंढते हुए आज वो घर तक आ पहुँचे। चुप रहो, न जाने क्यों आ रही हैं, उन्हें आ लेना तो मैं पूछता हूँ। आप क्यों पूछेंगे, मैं खुद पूछ लूंगी, क्या मैं उसे डरती हूँ? देखो सिन्हा, कोई उल्टी सीधी बात की तो तुम्हारा बाप इस घर में नहीं रहेगा। वो हमारे घर आ रही है, उनके साथ बदसुलूकी से पेश आना ये कहाँ की शराफत है। जाओ उनका स्वागत करो, जाओ जाओ। पिताजी मेरी साड़ी अच्छी नहीं, मैं साड़ी बदल लेती हूँ, आप उनका स्वागत कीजिए, जाइए। अरे पिताजी घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं, आप जरा जमुना बहन के घर से एक गिलास दूध लेकर आइए। नहीं नहीं पिताजी ऐसा करिए, मैं खुद लेकर आऊंगी, आप उन्हें अंदर लेकर आइए, जाइए ना। अरे पिताजी आप इस तरह बनियान में कहाँ जा रहे हैं, जरा शर्ट पहन लीजिए। आइए आइए, मैं आपके हेड क्लर्क मोहन का ससुर हूँ। नमस्ते। मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, अब रिटायर हो चुका हूँ, जो कुछ पेंशन मिलती है अपनी बेटी के हवाले कर देता हूँ। मेरी बेटी के सिवाय दुनिया में है ही कौन। सुना है आप दफ्तर में बहुत सख्त है, वेरी स्ट्रिक्ट, होना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट था। सन 44 की बात है कि अंग्रेज डीएसपी साहब थे मिस्टर मैकडोनल, क्या ठाट बाट थे उनके। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ? नो नो नॉट एट ऑल। लीजिए मेरी बेटी आ गई। नमस्ते। नमस्ते। सूरज दिखाई नहीं दे रहा है? यही कहीं बाहर खेलने गया होगा। ओ, वो तो मुझ पर जान देता है, जब भी देखो मुझे रमेश की मम्मी कहकर ही पुकारता है। और यहाँ भी आपका वही नाम है। ये बात है, बैठे ना, पहले आप बैठिए। नहीं। क्यों? भले मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन हूँ तो पुलिस इंस्पेक्टर, आप ठहरी कलेक्टर, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? छोड़िए कलेक्टर वलेक्टर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अब तुम बैठो। हाँ अभी बैठे ना। जी नहीं, मेरे पति जिनके सामने खड़े रहते हूँ उनके सामने मैं बैठूं, ये कैसे हो सकता है? ये दफ्तर नहीं घर है, बैठिए। बहुत दिन हुए आपसे मिले, मैं भी मिलना चाहती थी आपसे, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही पूछना चाहती थी कि जो कुछ हमने सुना वो क्या सुना आपने? यही कि दफ्तर में जितना आप सख्त रहती हैं घर में उतनी नरम हो जाती हैं। सुरेश कह रहा था। ये बात है। खैर मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो तो पहले बता दूँ। कल हमारे यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव है, आप बच्चों को लेकर झांके देखने जरूर आइएगा, मैं गाड़ी भेज दूंगी। अच्छा तो मैं चलूँ। आप चाय वाय नहीं पीजिएगा? चाय वाय फिर कभी, एक दिन आऊंगी और खूब पेट भर के खाना खा के जाऊंगी। अच्छा। अरे अरे मैं तो बच्ची को भी साथ लिए जा रही हूँ, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने। चाचा मम्मी के साथ झांके देखने आना। हाँ आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये नहीं, मेरा मतलब है आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? ये तो हम दोनों का निजी मामला है। सीमा तुम्हें मालूम क्या है ये कौन है? हाँ हाँ हाँ, ये अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। देखा पिताजी, वो मेरे बच्चों को कितना प्यार करती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ धोखा करेगी? वो भी तुम ही कह रही थी, ये भी तुम ही कह रही हो। मैं आई हूँ। मैंने देखा। पूछा क्यों नहीं क्यों आई हूँ? क्या मेरे पूछने पर ही बताओगे? कलेक्टर जन्माष्टमी के उत्सव पर मुझे अपने यहाँ बुलाने आए थे, जाऊं या नहीं? जाऊं या नहीं तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा मतलब है ना जाऊं? मैंने ये कब कहा? 9 नंबर की बस जाती उस तरफ। मैं बस में नहीं जाऊंगी, वो मेरे लिए गाड़ी भेज रही है।